महाराष्ट्र में प्याज खरीद में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। जी हां, लासलगांव जो कि सबसे बड़ी मंडी है प्याज की, उसके आसपास प्याज की जो सरकारी खरीद है उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लासलगांव मंडी की। और आपको बता दें कि खबर ये है कि जो हमें जानकारी मिल पा रही है एफपीसी फेडरेशन और अधिकारियों की मिलीभगत से प्याज खरीद में गड़बड़ी की गई है। इस पर ज्यादा डिटेल के साथ जी मीडिया संवाददाता योगेश खरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जरा आप बताएं कि क्या है पूरा मामला प्याज खरीद को लेकर। प्याज को लेकर नासिक जिला करीबन 2 महीने से बड़ी आगाज में है, जिसकी वजह जो भी प्याज खरीदी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए और साथ साथ जो ग्राहक है सर्वसामान्य नागरिक है उनको राहत देने के लिए जो भी खरीदी की गई थी उस खरीदी में करोड़ों रुपए का घोटाला होने की जो बात कही जा रही थी वो अभी सच निकल के आ रही है। नाफेड और एनसीसीएफ दोनों ने जो भी करीबन 20,000 मेट्रिक टन जो खरीदी की थी उसमें जो एपीसी थे, ये पूरी खरीदी जो थी वो एपीसी द्वारा की गई थी और एपीसी ने कुछ ट्रेडर्स को साथ लेकर और कुछ अधिकारियों के साथ में लेकर यहाँ पे बड़े घोटाले किए हुए। जो प्याज 1,000 रुपए खरीदी करनी चाहिए थी वो 1,500 रुपए दिखाई है और जो 2,000 रुपए में बेचनी चाहिए थी वो 3,000 रुपए दिखाई है। अच्छा। ऐसे जो कई पैसा जो है वो हेरफेर किया गया है। उसकी इंक्वायरी के लिए एनसीसीएफ की टीम अब नासिक में कल से दाखिल हुई है। कई एफपीसी से वो मिली है, किसानों से मिल रही है, मार्केट में जाकर वो पूरी तफ्तीश इस बारे में कर रही है कि प्याज का क्वालिटी क्या होता है, किस तरह से होती है। करीबन 4 मंत्रालय के जो बड़े उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे, ये आप बहुत बड़ी बात योगेश बता रहे हैं। मैं जरा अपने दर्शकों को और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि प्याज की बात महाराष्ट्र की जब हम कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि जो लासलगांव मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में प्याज की सप्लाई होती है। और प्याज की ये खबर राजनीतिक तौर पे भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि अनियन बेल्ट में जो एनडीए गठबंधन है उनको झटका लगा था, क्योंकि प्याज के किसान नाराज थे, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी थी, तो उस लिहाज से भी ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब योगेश, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो प्याज की सरकारी खरीद लासलगांव और उसके आसपास में हुई है, नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए जो खरीद नेफेड और एनसीसीएफ जो खरीद करती है उन्होंने एफपीसी के जरिए खरीद की और एफपीसी ने के कुछ अधिकारियों ने लोकल लोगों से मिलकर ये गड़बड़ किया है, राइट? जी, जो कुछ एफपीसी जो अपॉइंट की गई थी वो एनसीसीएफ की तरफ से अपॉइंट की गई, कुछ जो है वो नेफेड की तरफ से अपॉइंट की गई। अच्छा। लेकिन कुछ जो लोकल नेता है, कुछ अधिकारी है, उनकी साठगांठ इन कुछ एफपीसी के लिए देखी गई, उन्हीं एफपीसी से ये सब माल खरीदी किया गया। और जब ये जून में अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है तो एनसीसीएफ से जो खरीदी हो रही थी वो पिछले महीने भी उसमें भी कुछ गड़बड़ी दिखाई दी, जिसकी वजह से जो डाउट्स है वो मिनिस्ट्री को आए, उसकी वजह से जो है पूरी टीम फॉर्मेशन की गई है। नाफेड के अध्यक्ष ने भी पिछले मंथ में यहाँ पर विजिट की थी और यहाँ पे उन्होंने पूरा जायजा लिया था और उन्हें बताया भी था कि कई एपीसी में घोटाले हुए। तो अभी जो है वो पूरी तफ्तीश जो है वो करने के लिए ये मिनिस्ट्री यहाँ पर आई हुई है और प्याज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। राइट, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेफेड और एनसीसीएफ जो दो बड़ी सरकारी एजेंसी है, इन दोनों एजेंसियों ने ये माना है कि खरीद में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच हो रही है, राइट? जी जी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है प्याज के लिहाज से, क्योंकि प्याज को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ किसानों की तरफ से। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस खबर को बताने के लिए और इस खबर पर योगेश जी की नजर बनी हुई है। इसमें जो भी अपडेट आगे होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन प्याज को लेकर ये बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।